नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन, आज फिर से मैं ईवी के बारे में बोलूंगा और टू व्हीलर मार्केट के बारे में बात करूंगा। ईवी में और डेवलपमेंट्स हैं, इसमें तो अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। गवर्नमेंट के कारण इन सभी कंपनियों का नुकसान हो रहा है, इसके बारे में आज मैं विश्लेषण करूंगा। आज इसका क्या विश्लेषण के डेवलपमेंट है कि उन्होंने चार्जर्स को अलग रखा के उससे पेमेंट ले ली है, और चार्जर को अगर रख कर पेमेंट कलेक्ट करना ठीक बात नहीं है, ये फेम रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। फेम रेगुलेशंस ये वो रेगुलेशंस है जिससे कंपनियों को सब्सिडी मिलता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसके पहले ही ओकिनावा और इलेक्ट्रिक हीरो इलेक्ट्रिक पे एक बड़ा केस चल रहा है, इसके कारण उन्होंने प्रोडक्शन कम कर लिया है और ओकिनावा मार्केट के बाहर जाने की नौबत में आ चुकी है। इसी में तीन कंपनियों पे प्रेशर हो रही है, ओला, हीरो मोटर, टीवीएस और ये तरको, कि वो नवंबर 30 तक 278 करोड़ का पेमेंट करें। इंडियन गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ओला इलेक्ट्रिक, ये तर इनर्जी, टीवीएस मोटर्स एंड हीरो मोटर कॉर्प विडा 278 करोड़ को अप्रोक्सीमेटली 200,000 कस्टमर्स को नवंबर 30 तक पेमेंट करें। ये एक्शन इसलिए आया है क्योंकि बहुत ज्यादा कंज्यूमर ने कंप्लेन दर्ज की है कि उनके जो रीएम्बर्समेंट आना था चार्जर का रीएम्बर्समेंट, इन कंपनियों ने उनको पेमेंट नहीं दी। हेवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर ने अप्रूव करके ये नतीजा निकाला है कि वो 278 करोड़ में सिर्फ 10 करोड़ का पेमेंट उन्होंने दे दिया है, और टोटल अमाउंट जो उन्होंने एक्सेस कलेक्ट किया है वो 288 करोड़ है, और बैलेंस 278 करोड़ को उन्हें वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ओईएम को नवम्बर 30 तक का टाइम दिया है, अगर वो नवंबर 30 तक वो पेमेंट नहीं करते हैं उनको फर्दर सब्सिडी डिस्बर्समेंट रुका जाएगा, और इस फेम के फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम से बाहर निकाला जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक ने 4.5 करोड़ का रिफंड कर दी है और उनका टोटल ड्यू है 130 करोड़। एथर एनर्जी ने 3.97 करोड़ का रीपेमेंट कर दी है, उनका टोटल क्लेम 140 करोड़ एंड वो 17 करोड़ पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स। टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने 75,00,000 का डिस्बर्समेंट दे दी है और उनको 15 करोड़ का डिस्बर्समेंट और करना है। हीरो मोटर्स सबसे छोटा कंपनी है, 1.64 करोड़ रिटर्न कर दी है उनकी 2 करोड़ में। दी कंपनीज ने ये बताया कि कस्टमर की बैंक डिटेल्स उनके पास नहीं है, इसकी कारण से वो रिफंड स्लो चल रही है, और अगर कस्टमर इंफॉर्मेशन उनको मिल जाता तो वो इमीडिएटली रीपेमेंट कर देंगे। तो हीरो मोटर कॉर्प ने हार्ली डेविडसन लॉन्च का किया था, उसमें उन्होंने 250 सीसी का व्हीकल को लॉन्च करने के समय बुकिंग एक्सेप्ट की। उन्होंने बोला, ये मार्केट को सूचना दी कि उनकी टोटल बुकिंग्स 25,000 बुकिंग्स क्रॉस कर चुकी है। अभी आज उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि 25,000 में रुक जाएगा वो बुकिंग, क्योंकि उनको डिलीवरी करना असंभव है और ये लगभग 1 साल से 18 महीने लग जाएगा, तो फर्दर बुकिंग से उन्होंने मना कर दी। तो ये बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक मूव है और ये स्कार्सिटी क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, इसके कारण प्रीमियम टैग ऑफ द मोटरसाइकिल मिल जाएगा। वो बोल रहे हैं कि ये मार्केट सप्लाई चेन या प्रोडक्शन इश्यू से नहीं है, लेकिन वो मार्केट में पुल बेस्ड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। 75% ऑफ बुकिंग्स हार्ली डेविडसन एक्सपोर्ट 40 का टॉप वेरिएंट है जो 2,59,000 में बिकेगा। हीरो होंडा इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन सितंबर में स्टार्ट करेगी और कार डिलीवरी अक्टूबर एंड तक आ जाएगी। तो मार्केट में डायनेमिक्स एंड चैलेंज ये है। हीरो मोटर कॉर्प अपने इकोनॉमी बाइक्स के लिए जाना जाता है और प्रीमियम सेगमेंट क्रैक करना बहुत वाजिब मुश्किल है, और इस मुश्किल को कंपनी एक चैलेंज के रूप में देखती है। कंपनी ने इस मार्केट को क्रैक करने के लिए पहले बहुत सारे अटेम्प्ट की है। 150 सीसी का मोटरसाइकिल तो उन्होंने लॉन्च किया टू कम्पीट एंड बट, लेकिन टॉप ब्रांड्स रॉयल एनफील्ड, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, होंडा इस मार्केट में पहले ही आ चुके हैं और इस मार्केट को हीरो पेनेट्रेट नहीं कर पाई। हीरो मार्केट शेयर इन 150 सीसी व्हीकल में सिर्फ
3% था, लेकिन रॉयल एनफील्ड का 38% था और टीवीएस मोटर का 19%। ये सोच कर रहे हैं कि इस मोमेंटम को कायम रखें प्रीमियम सेगमेंट में विद मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्चेस। द प्रीमियम स्ट्रेटजी ये बोल रहे हैं कि हर साल 3-4 मॉडल लॉन्च करेंगे, इंक्लूडिंग करिश्मा, वो आइकॉनिक ब्रांड को डिफरेंट अवतार में लॉन्च करेंगे। तो कंपनी ये सोच रही है कि प्रीमियम बाइक्स के लिए 100 शोरूम्स रखेंगे, और जैसे होंडा के बड़े विंग शोरूम, वो करंट मार्केट शेयर टू मार्केट प्राइस 2947 है, पी रेशियो 19.5 है, ईपीएस 147 में है, डेट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.03 पे है, तो बहुत कम डेट है, प्रमोटर्स का 35% शेयर है, एफआईआई इसका 28% शेयर है, डीआई इसका 27% और पब्लिक का 10%। ये भी न्यूज नहीं है, रॉयल एनफील्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ लाल ने अनाउंस किया है कि वो हजार करोड़ रुपया लगा रहे हैं एक रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक पोर्शन डेवलप करने के लिए। उन्होंने आज ये ऐलान कर दी कि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को 2 साल में लॉन्च करेंगे, और इसको एक नया टीम करा दिया है जो ये कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ वीवी वेंचर को देख रहे हैं। सो आइशर मोटर इस साल में 1000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इस साल का मेन इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही होगा। पिछले क्वार्टर एनफील्ड ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 50% की बढ़ोतरी की है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो सेल्स फिगर्स में 22 लाख बाइक क्वार्टर वन में बेची है, 22 लाख मैंने 2.2 मिलियन बाइक्स उन्होंने लॉन्च की है। तो अगर एनफील्ड का दाम एस्कॉर्ट्स का दाम और नीचे आता है तो हम कंसिडर कर सकते हैं, आज तो बहुत कॉस्टली है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट्स लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने ये सब करा दिया तो अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने के लिए आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। हमने बेंगलुरु की इवेंट के बाद इवेंट सऊदी अरेबिया में होल्ड करने की डिसीजन ले ली है। सो 22 सितंबर को हम रियाद में एक इवेंट कर रहे हैं और 29 सितंबर को हम जिद्दा में मिल रहे हैं। जो भी मुझे मिलने चाहते हैं तो और सऊदी में रहते हैं उनको रियाद में 22 सितंबर और जिद्दा में 29 सितंबर मिलेंगे। जो मुझे मिलने के इच्छुक हैं वो नीचे दिए गए ईमेल आईडी में मेल भेज सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।